हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आई एम शेयरिंग माय हेयर केयर रूटीन विद यू ऑल, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी टू फिल्म दिस वीडियो, सो हेयर आई एम। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो होप यू रिलेट, मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज़। एंड इंस्टाग्राम से भी हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं, gaurasingh28 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। सो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक हेयर पैक बता देती हूँ जो मैं कभी कभार लगाती हूँ, और उससे मेरे बालों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो एलोवेरा जेल, हम सभी जानते हैं कि चाहे वो स्किन हो चाहे हमारे बाल हो, एलोवेरा जेल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा जेल मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास ये वाला है एलोवेरा जेल। 97.7% प्योर है, और आज के ज़माने में अगर 97.7% कुछ प्योर मिल रहा है तो वो 100% ही समझिए। और या फिर आप ये वाला ले सकते हो, पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे जो भी लिंक्स मिल जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप देख सकते हो। तो एलोवेरा जेल को मैंने एक कटोरी में ले लिया है, और बालों को मैंने मांग करके दो साइड में डिवाइड कर दिया है, और फिंगर टिप्स की हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके अपने पूरे स्कैल्प के रूट्स पे लगाऊंगी। और जब रूट्स पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं जो बालों की सरफेस है और लोअर एंड्स हैं वहाँ पर लगाऊंगी। सो एलोवेरा जेल को मैंने बालों में स्कैल्प पे अच्छे से लगा लिया है, और फिंगर टिप्स की हेल्प से थोड़ा सा और स्प्रेड कर रही हूँ मैं इसको, सो दैट ये अच्छे से बालों में मिक्स हो जाए। और इस तरह से मैंने टाई कर लिया है अपने हेयर्स को, और एक से दो घंटे के लिए मैं इसको लगाऊंगी। तो 15 डेज में एक बार आप इस तरह से लगा सकते हो। एलोवेरा हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस फॉर आवर स्किन, आर हेयर्स। इससे शाइन मिलती है काफ़ी बालों में, और ग्रोथ अच्छी होती है बालों की, बालों का झड़ना और डैंड्रफ भी सही होता है। तो मैंने बाल वॉश कर लिए हैं, एक दो घंटे लगाया एलोवेरा जेल, और उसके बाद आपको फील होगा कि बाल काफ़ी बाउंसी और काफ़ी शाइनी से लग रहे हैं। तो डू ट्राई इट। एंड मूविंग ऑन टू व्हाट कंडीशनर एंड शैम्पू आई एम यूजिंग, तो करेंटली मैं पैंटीन का कंडीशनर एंड ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे हेयर्स मीडियम टाइप ऑफ हेयर्स हैं, और ये शैम्पू एंड कंडीशनर मेरे हेयर्स को काफ़ी सूट कर रहा है। और एक और प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता कि हम अपने बाल जो हैं वो टाइम से धो पाएँ, तो बाल काफ़ी उलझे हो जाते हैं और उन्हें कॉम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट पे बाल बहुत झड़ते हैं। तो मैं ये आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को जो है वो यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे बाल बहुत उलझे हों तो मैं थोड़ा सा आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को बालों में लगा के उसके बाद कॉम करती हूँ। और मैं ये सिया भूमि मेरी दोनों डॉटर्स के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। एंड हेयर मसाज के लिए मैं ये डाबर इंडियन मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। सो हेयर मसाज के लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, इसको यूज़ कर सकते हो आप। और जब मैं इंडिया में थी तो मेरे गांव से मस्टर्ड ऑयल जो है मेरी मम्मी मंगवाती थी, तो वहां से मैं यूज़ करती थी। बट यहां मैं यूएस में रहती हूं अभी करेंटली, तो यहां पर इंडियन स्टोर्स पे आपको ये मस्टर्ड ऑयल मिल जाएगा, और ये बॉडी मसाज के लिए हेयर मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक कटोरी में आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए अपने हेयर्स की लेंथ के हिसाब से कि कितना चाहिए होगा, और उसको या तो आप माइक्रोवेव कर सकते हो थोड़ा सा, या फिर स्टील की कटोरी में लेके आप गैस पे थोड़ा सा गर्म कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा गर्म ना कर लीजिए क्योंकि नहीं तो स्कैल्प जल जाएगी, बट हल्का वार्म और उसे थोड़ा सा हल्का ज़्यादा कर सकते हो चाहो तो। और फिंगर टिप्स की हेल्प से अगेन आप अपने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और हल्का हल्का ऑयल जो है वो बालों में मांग कर करके लगाते जाइए। वैसे तो अगर ऑयल अगर आपके कोई और लगा दे, मदर या आपकी सिस्टर या कोई और अगर लगा दे तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप ही लगाना हो तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बालों को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके बालों में ऑयल लगाइए, और एक बार जब पूरे बालों में ऑयल लग जाए तो फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करके उसको टाई कर लीजिए थोड़ी देर के लिए।
और एक और हैक है, ये मैंने एक बार रैंडमली ट्राई किया था तो इसका भी मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो एक बार मैं अपने बच्चों को ऑयल लगा रही थी तो मैंने ये वाला ऑयल जो है ऐसे रैंडमली ट्राई किया और इससे भी मेरे बाल काफ़ी स्मूथ लगे मुझे। सो ये बेबी ऑयल जो भी होते हैं एलोवेरा और विटामिन ई, इनमें काफ़ी होता है, तो आप कोई भी अच्छा सा बेबी ऑयल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये वाला अप एंड अप का एलोवेरा जेल प्लस विटामिन ई बेबी ऑयल जो कि टारगेट से लिया था, तो वो मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा लिया। और इसको वॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप अपने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड करें और अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था मस्टर्ड ऑयल लगाना, उसी तरीके से आप फिंगर टिप्स की हेल्प से लेके अपने बालों में मांग करते हुए पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ लगा लें, तो इसके भी रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और कोई भी ऑयल आप मसाज करो, एटलीस्ट 2 घंटे तो रखना ही चाहिए बालों में, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एंड मूविंग ऑन फॉर द नेचुरल वे ऑफ हेयर कलरिंग, तो उसके लिए मैं ये नुपुर हेना यूज़ करती हूँ एंड ये काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें आप अगर देखोगे तो एलोवेरा, मेथी, नीम और ब्राह्मी, हिबिस्कस, शिकाका, ये सब ऑलरेडी मिक्स है तो आपको अलग से लाला के मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हेयर पैक विद नेचुरल हेयर कलर के साथ आपको मिलता है, इट्स रियली गुड। तो हेना जो है हमारे बालों के लिए एक तो बहुत ही नेचुरल वे में कलर देता है, शाइन देता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बिकॉज़ एक नेचुरल तरीका है बालों को कंडीशन करने का, बालों को कलर करने का। तो ये वाली है ना आप ले सकते हो, ये मैं इंडियन स्टोर से बाय कर लेती हूँ। हेयर कलर को तैयार करने के लिए जो है ना है उसको बेसिकली हमें तैयार करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, तो आप चाय पत्ती का पानी ले सकते हो या फिर कॉफ़ी वाटर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पानी में कॉफ़ी को अच्छे से बॉयल कर लिया है और जितना ज़्यादा बॉयल करेंगे उतना अच्छे से चाय या कॉफ़ी जिसका भी आप वाटर ले रहे हो उसका पानी रिलीज़ होगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं एक कढ़ाई यूज़ करती हूँ लोहे की और इसमें मैं हिना भिगोती हूँ। तो अगेन अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप हिना ले सकते हो कि कितनी लगेगी, तो आप एक बार लगाने लगोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं एक मंथ में एक बार ही ये लगाती हूँ और जब एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तब मैं नहीं लगाती। तो मेहंदी लेने के बाद मैंने उसमें एलोवेरा जेल डाला है और उसके बाद मैं उसमें 2 एग्स डालूंगी। और एलोवेरा जेल ये पतंजलि वाला थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, तो ये मैं निकाल लेती हूँ कट करके इस तरीके से ताकि वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी। एंड दिस इज़ द कॉफ़ी विच आई हैव यूज़ नेस्कैफे की। आप कोई भी कॉफ़ी जो आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो, सैशे भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन इसमें मैं वाटर जो है गर्म पानी ऐड करूँगी, इससे हिना को सोक करूँगी। तो आप एक स्पून की हेल्प से मिक्स कर सकते हो और अगर और ज़्यादा बेटर वे में मिक्स करना है तो आप एक फॉक ले सकते हो और उससे मिक्स करो। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पूरा हिना जो है पानी में सोक हो जाना चाहिए और शुरू में लगेगा कि कुछ गांठें हैं लेकिन बाद में वो गर्म पानी में मिक्स होके बाद में सॉफ्ट हो जाएगी हिना। तो आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। हिना हमें थिक कंसिस्टेंसी की चाहिए, बहुत थिन होगी तो टपकेगी बालों में से और फिर पूरे घर में हिना हिना होगी क्योंकि हमें मेहंदी लगाने के बाद बाकी घर के काम भी करने होते हैं। सो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में हिना को रखें। और यहाँ पे हेना पैक जो है वो रेडी हो गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको लिड लगा के ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दूँगी और साइड में रखने के बाद यहाँ पर जहाँ भी हिना गिरी हो उसको जल्दी से साफ़ कर दें क्योंकि ये नेचुरल हेयर कलर है तो ये अपना कलर डेफिनेटली कहीं पे भी रिलीज़ करेगा, तो इट्स बेटर टू क्लीन अप एज़ फास्ट एज़ यू कैन। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने हेना को अपने बालों में लगा लिया है और मैंने बालों को एक दिन पहले वॉश कर लिया था अच्छे से। अगर बाल वॉश किए हुए होंगे तो हेयर कलर जो है हेना का अच्छे से चढ़ेगा बालों के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने एक एक बालों का पोर्शन लेते हुए पूरा लगा के और बन बना लिया है। और हेना को सूखने नहीं देना है, अगर हेना सूख जाएगी तो उसके बाद धोने में बाल बहुत झड़ेंगे। तो उसको कवर करने के लिए मैं एक शावर कैप यूज़ कर रही हूँ, आप एक पॉली बैग या किसी शावर कैप की हेल्प से इसको कवर कर लें और 3 घंटे एटलीस्ट रखें इसको बालों में। आफ्टर दैट मैंने वॉश किया और हेना एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल कंडीशनर है, हेयर कलर है, तो बालों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मुझे मिलते हैं और नेचुरली ये ग्रोथ भी कराता है बालों की। सो यू कैन सी कितना अच्छा कलर आया है, शाइन आई है। तो दिस इज़ हाउ माई हेयर केयर रूटीन इज, बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सा रूटीन है
और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो ये कि अगर हम अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें तो हमारे स्किन, हमारे बाल और नेल्स जो हैं उन सब पे बहुत ही अच्छा असर जो है हमें दिखेगा। सो इन सब के जो लिंक्स वगैरह हैं प्रोडक्ट्स के, वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। एंड एट द एंड अपने पास ज़रूर थोड़े से लूज कॉम रखें बालों को सुलझाने के लिए, क्योंकि जब हम बालों को कॉम करते हैं तब हमारे बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, तो सुलझाने के लिए एक लूज कॉम रखें। उसके बाद आप एक फाइन कॉम से कॉम कर सकते हो। सो यही सब स्मॉल स्मॉल टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और आप सबकी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं इस वीडियो को फिल्म कर रही हूँ। डू लेट मी नो कि अगर कोई क्वेरीज हों आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।